साहब वो क्या हुआ साहब, कोई खबर है? साहब देवी ने बाबा का वध कर दिया। क्या? यहां दुनिया में मान्यताओं का भंडार है, भूत प्रेत देवी देवताओं का अंबार है, तो क्या उस दुनिया से कोई इस ईंट और गारे की दुनिया में आकर हाड़ और मांस से बने इंसान को मार सकता है, उसका कत्ल कर सकता है? कम से कम बरगद के पेड़ के नीचे जो हमने देखा उससे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आगे जो परतों के भेद खुले तो पुलिस तहकीकात की तहों में फंस गई और जिसने देखा जिसने जाना उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव शिवना, जिला सरन, बिहार, साल 2013। पांडे त्रिशूल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजो, शायद हत्यारे के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे इसमें। पर यादव सर, आसपास के सारे मंदिरों में पूछताछ करो और जितने भी नाटक नौटंकी वाले हैं उनसे भी बातचीत करो। यस सर। कहाँ रहता था ये बाबा? सब गांव के बाहर एक कुटिया है, उसी में रहते थे। बैठो गाड़ी में बैठो। राम राम दरोगा साहब, ये मंदिर में कहाँ ढूंढ रहे हैं? गांव में सभी कह रहे हैं कि गांव देवी माता ने बाबा को मार डाला है, इसलिए हम देख रहे थे कि माता का त्रिशूल यहाँ पे है या नहीं। क्या बात कर रहे हैं दरोगा साहब, अरे माता तो माता है, उनको त्रिशूल की क्या कमी है? तो वैसे आसपास देखो सर। देव बाबा बहुत भले आदमी थे साहब, वो सबका कल्याण करते थे, गांव में किसी के कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे साहब। इतने ही भले थे तो तुम्हारी देवी माँ ने मार क्यों दिया उसे? साहब हम लोग बहुत ही साधारण आदमी हैं, हम सब लोग उनको पहचान नहीं पाए, मगर देवी माँ उनको पहचान ली थी। वो जान चुकी थी कि देव बाबा ने जरूर कुछ पाप किया है, तभी उन्होंने पहले उनको धमकी दिया और उसके बाद उनको मार डाला। तुम कह तो ऐसे रहे हो जैसे सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। साहब जी हमरी क्या, पूरे गाँव के सामने की बात है। बिल्कुल ऐसा ही त्रिशूल था वो जिससे बाबा का मर्डर हुआ। साहब हम एक कलाकार हैं, अपनी कला की कसम खाकर कह रहे हैं, हमारे यहाँ से एक त्रिशूल चोरी जरूर हुआ है, लेकिन चोरी के बाद कहाँ गया हमें नहीं पता। कब चोरी हुआ? ध्यान कहाँ है बे तुम्हारा? त्रिशूल कहाँ है हमारा? त्रिशूल यही रखा ना। चार ही है, हमारा कहाँ है? अरे हम लाके रखे हैं, सारा त्रिशूल यही लाके रखे हैं। एक मिनट हम नीचे देखते हैं, यहाँ तो नहीं पड़ा है। तारीख बोलो। साहब 1 तारीख को रिहर्सल के टाइम चोरी हुआ था शाम को। कोई छोटा मोटा बात नहीं हुआ है, एक आदमी की हत्या की गई है और मार कर जिस तरह पेड़ पर लटकाया है, कम से कम 4-5 लोग शामिल थे। तो इससे पहले कि हम पुलिसिया तरीका अपनाएं,
सब कुछ सच सच बता दो। साहब हम जो देखे थे एकदम सच सच बता रहे हैं, देवी माँ का कसम साहब। छेदी भैया वो फिर से आ गई है। कौन आ गई है? वही देवी जिसने देव बाबा को मारा था। देवी ने मारा है? देखो हत्या में बरामद हथियार आप लोग के यहाँ से चोरी हुआ है, इसके लिए सबसे पहला शक आप लोग पर है, और इसके लिए जब तक पुलिस से परमिशन न ले लो गांव छोड़कर जाना मत, समझे? क्या जानने आया है? हमने मारा है उसको, हमने, और अब तुम्हें भी मार देंगे। जा, चला जा यहाँ से, चला जा। हमने मारा है उसको, सुना नहीं? मरे हैं, सब पापियों का नाश होगा, सब पापियों का। संभालो उसको, पानी लाओ। क्या हो रहा था उसके साथ? क्या गांव की मान्यताएं सही थी या एक मौत हुई थी? मौत एक देवी ने की थी, ये सच था, अंधविश्वास था या फिर कोई गहरा षड्यंत्र? अब क्या करें साहब, देव बाबा का हत्या हो गया। तुम ही तो कह रही थी कि तुमने मारा है उस बाबा को। नहीं नहीं साहब, हम काहे मारेंगे, वो तो बहुत महान आदमी थे। पर कह तो तुम ही रही थी। नहीं नहीं साहब, हम नहीं कह रहे थे, वो तो देवी माँ कह रही थी। हमारे ऊपर देवी माँ आती है ना साहब, इसका कोई कसूर नहीं है साहब। इसने अपना जुर्म कबूल किया है तो गिरफ्तारी तो बनता है, लेकिन क्योंकि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है इसलिए गिरफ्तार करने के बजाय जांच के लिए अस्पताल भेज रहे हैं। सर चंपा ये बात मान रही है कि त्रिशूल उसके यहाँ से चोरी हुआ है, मगर उसका कहना है कि हत्या में उसका कोई लेना देना नहीं है। इस केस का सबसे हैरान करने वाला बात यही है यादव, जिस पर शक हो रहा है वो मान नहीं रहा है, और जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है उसकी बातों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल ये पता लगाते हैं कि उस देव बाबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। जी सर। देखिए, इसकी हत्या कल रात 1 और 2 बजे के बीच में हुई है, और उसकी मौत की वजह है त्रिशूल से गहरे घाव, शरीर पर और भी चोट और खरोंच के निशान है। जब तक कोई बॉडी को क्लेम करने नहीं आता है आप इसे मॉर्ग में ही रखिए। हम गांव वालों से पता लगाते हैं कि ये देव बाबा आखिर था कौन। देव बाबा तो रमता जोगी थे, महीने 2 महीने में एक बार आते थे, सबका दुख और कष्ट हर के चले जाते थे। सब ऐसे लोगों का पता ठिकाना थोड़ी होता है। आखिरी बार देव बाबा को कब देखे थे? जिस दिन उनका हत्या हुआ था उससे 2 दिन पहले। सर खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे, खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे, सजन मिलेंगे तो है सजन मिलेंगे, सजन मिलेंगे तो है सजन मिलेंगे। ये भजन मीका राम ने लिखा है, इसमें सजन का मतलब स्वयं भगवान है और चुनरिया का मतलब है लाज शर्म जो तुम लोगों ने जबरदस्ती दबा के रखी है। समझ में आया? हाँ। तो जोर से बोलो, खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे, खोल दे चुनरिया तो है सजन मिलेंगे। आजा आजा आजा, कैसी है तू? ला हाथ दिखा।
हमने तुम्हें पहचान लिया है। क्या कर रही है गौरी? तेरा वध करेंगे हम। देवी माँ ने बाबा को धमकी दिया था, इसलिए हम लोग गौरी के हाथ पैर बांधकर कमरे के बाहर ताला लगा दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे। बकवास बंद करो और ये बताओ कि जिस रात हत्या हुआ तुम कहाँ थे? हम चंपा का नाच देखने गए थे। नाच गाना तो रात भर चलता रहा। नाच देखकर वापस कब लौटे? सवेरे लौटे हैं। अरे भाई लेकिन मजा आ गया, बहुत मजा आया किया। अरे लिपस्टिक तो बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। अरे 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 गौरी, अरे 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 गौरी, तुम बाहर कैसे आ गई और यहाँ कैसे बैठी हो? और ये खून का लगा है? मार डाला हमने उसको। जाके देख उस बरगद के पेड़ के ऊपर, उसकी लाश मिलेगी। बस साहब यही हुआ। तो तुम में से किसी ने भी गौरी को हत्या करते हुए नहीं देखा? नहीं साहब। एक बात ध्यान रखिए, पुलिस को झूठी कहानी सुनाना भी अपराध है और उसके लिए भी सजा होती है। साहब हम लोग झूठ थोड़े ही ना बोल रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो गौरी पर आई देवी ने कहा था। अगर कानून की आंखों पर निष्पक्षता की पट्टी बंधी है तो उसके हाथों में एक तरफ साक्ष्यों और सबूतों का तराजू भी है। कानून अपना फैसला सबूतों और गवाहों की बिना पर करता है। ऐसा लग रहा था कि मानो सभी तथ्य सभी सबूत कुछ बताने के लिए नहीं बल्कि कुछ छुपाने के लिए सामने किए गए हों। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी पुलिस के लिए केस एक चुनौती बना हुआ था। अपराध का तरीका, अपराध की वजह और उसमें तिलस्म और देवी का पहलू इसे और जटिल बनाए हुए था। सर ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव किसी बहुत बड़ी गलतफहमी या वहम का शिकार है, या फिर सभी लोग मिलजुल कर असली अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यादव अगर ये लोग मिलजुल कर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अपराधी या तो इनके बीच में से ही कोई एक है, और या फिर इन सब को उस देव बाबा से कोई शिकायत थी। एक काम करो, इस देव बाबा का फोटो हेडक्वार्टर भेजो, शायद वहां से इसका कोई कुंडली निकल सके। और जब तक वहां से कोई रिपोर्ट आती है, इस चंपा के यहाँ जाकर ये पता लगाते हैं कि छेदी और उसके दोस्त हत्या वाली रात को नाच देखने गए भी थे या सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। साहब अब नाच के समय यहाँ कौन आता है कौन जाता है अब इसका हिसाब तो हम नहीं रख सकते ना, और वैसे भी हमें यहाँ आए हुए 10-12 दिन ही हुए हैं, इसीलिए ना तो हम किसी को नाम से जानते हैं और ना ही शकल से। 10-12 दिन से चल रहा है ना ये तमाशा, पुलिस परमिशन है? उखाड़ो ये तंबू अम्बू, लेकर चलो थाने। साहब आप जो भी कहिएगा हम करेंगे, पर हमारा काम मत रोकिए। दिमाग पे जोर डालिए और याद करके बताइए कि ये लोग उस रात आए थे या नहीं। साहब हम अपने शो के रोज वीडियो बनाते हैं साहब, अगर ये लोग आए होंगे ना साहब तो उसमें जरूर दिख जाएंगे। दिखाओ वो वीडियो। साहब हम 2 मिनट में लेकर आ रहे हैं, जल्दी। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो।
और सर इस वीडियो से तो ये साफ हो गया है कि छेदी लाल हत्या वाली रात को अपने दोस्तों के साथ नाच वाली जगह पे मौजूद था। उस बाबा की कुंडली का क्या हुआ? सर हेडक्वार्टर फोटो और खबर दोनों भेज चुका हूँ, दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तब तक ये पता लगाते हैं कि गौरी पर आने वाली देवी के बारे में डॉक्टर का क्या कहना है। देखिए गौरी के अंदर अभी तक ऐसे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं जिसे देख के ये पता चले कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है वो। देखो गौरी, ये बात तो पक्का है, ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। तो इस हत्या में और कौन कौन शामिल है बता दो। आप सच कह रहे साहब, हम कुछ नहीं जानते। गौरी को कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, शायद बीमारी के कुछ सिम्टम्स नजर आ जाएं। ठीक है। सर छेदीलाल और उसकी बीबी पे बाबा का विशेष कृपा रहता था, हफ्ते में एक दो बार आना जाना लगा रहता था। धन्यवाद। विक्रम सर, इस छेदी को थाने बुलाओ। जी सर। हाँ साहब, बाबा जी पर हमको बहुत विश्वास था। क्यों, ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया था उसने? शादी के 4-5 साल हो गए पर बच्चा नहीं हुआ, पैस से लेकर ओझा तक सबको दिखाया। ऐसे में देव बाबा हमारे गाँव आए, बड़ा भारी नाम सुने थे उनका, तो हम गौरी को लेकर उनके पास गए। जय हो देव बाबा की। बाबा जय हो देव बाबा। तुमको बच्चा ना हो रहा है ना? हाँ बाबा। इधर आ मेरे पास, डर मत, इधर आ, हाथ दिखा। घबरा मत, बच्चा हो जाएगा, मगर इसका नाड़ा खोलना होगा जी। किसी ने इसके पेट में टोटके वाला नाड़ा बांध दिया है, उसे खोलना होगा। और बाबा जी ने गौरी का जादू वाला नाड़ा भी खोल दिया। गौरी महीने भर में ही पेट से हो गई। हम उनका आशीर्वाद लेने आश्रम भी गए थे, मगर कुछ दिन बाद गौरी कुछ औरतन के साथ गांव देवी मंदिर से वापस आ रही थी और बरगद के पेड़ के नीचे गौरी, क्या हुआ? हम गौरी नहीं, गांव देवी हैं, गांव देवी। और इस गौरी को भी हमारे साथ जाना होगा, हमारे साथ। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। भैया भौजी को बाबा के पास ले चलते हैं, अब वही कुछ करेंगे। चलो। बाबा, बाबा देखी ने कहा हो गया है इसको? ये बरगद के पेड़ के नीचे मिली ना। बाबा अंतर्यामी थे, सब कुछ पहले से ही बता देते थे। बाबा, हम इस गौरी को अपने साथ लेकर जाएंगे और जो भी हमारे रास्ते आएगा वो मारा जाएगा। और वहीं से दोनों में अनबन शुरू हो गया। ठीक है, जाओ। या तो इस पर नजर रखो। जी सर। इसके साथियों चंपा और बाकी सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स लो और फोरेंसिक वालों को भेज कर देखो कि त्रिशूल पर मिले फिंगरप्रिंट्स में इनमें से किसी से कोई मैचिंग है क्या। यस सर। सर हेडक्वार्टर से बाबा पे अपडेट। सर इसका असली नाम गिरधारी है,
और ये घना से चोरी के इल्जाम में करीब 7 साल से गायब है। रिपोर्ट किसने लिखाई थी? सर चंपा ने। इसको पहचानती हो? देव बाबा या फिर गिरधारी, जिसके नाम की रपट 7 साल पहले लिखाई थी और फिर तुम्हारे त्रिशूल से उसकी हत्या हो जाती। अभी हत्या कैसे किया और कौन कौन इसमें शामिल है सच सच बता दो, वरना अगर पुलिसिया तरीके से हमने पूछताछ शुरू किया ना तो सहन नहीं कर पाओगे, ना ठीक से नाच पाओगे और ना ठीक से गा पाओगे। साहब जी सच है कि हम भी साले का मरा मुंह देखना चाहते थे, क्योंकि बहुत ही बड़ा धोखेबाज था वो। पूरा जेवर पॉलिश करा कर लाएंगे ना तो एकदम जगमगा जाएगा। शादी के दिन जब तुम पहनोगी ना आग लगा दोगी, छा जाओगी एकदम। आते हैं अभी। फिर 2 दिन तक वो लौटा ही नहीं तो हमने रपट लिखवाया, लेकिन उसका कोनो पता नहीं चला। हम तो भूल भी गए थे, गांव-गांव जाकर नौटंकी करने लगे थे। और फिर जब हम ई गांव में आए ना तो हमें यहाँ पता चला कि कोई महात्मा रहते हैं यहाँ पर, और हम उनसे मिलने गए। जब वहां गए तो देखा कि कोई बाबा नहीं है बल्कि गिरधारी झूम झूम के गांव वालों के साथ नाच रहा था। अनाड़ियों को बहुत नचा लिए हो, अब हम तुमको नचाएंगे। फिर दूसरे दिन हम गिरधारी से अकेले में मिलने के लिए उसके आश्रम गए। नाचना गाना तो तुम हमसे सीख लिए थे, बाबागिरी कहाँ से सीखे हो? तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद हम बटुक महाराज के यहाँ ड्राइवर हो गए थे। अच्छा, तुम चाय पियो ना। तो वहाँ से कितना लेके भागे हो? एक भगत 1.5 लाख रुपया चढ़ा गया था, उसे ही चुरा के भाग आई यहाँ। तो अब हमारा गहना जेवर का कीमत 3 लाख रुपया हो गया है, तो तुम हमें हमारा 4 लाख रुपया ब्याज समेत लौटा दो। हमको 1 हफ्ता तो हम तुम्हारा सब कुछ लौटा देंगे। लेकिन साहब इससे पहले वो हमारा गहना जेवर हमें वापस करता, वो मर गया। मर गया या तुमने मार दिया? नहीं साहब, उसके मर जाने से हमको हमारा गहना जेवर वापस थोड़ी ना मिल जाता, और उसको मारने से तो अच्छा था हम उसको आपको ही दे देते। जितना दिन जेल में सड़ता ना उतना हमको अच्छा लगता। और वैसे भी साहब वो जिस दिन मरा उस दिन तो हम सारा रात अपना डांस कर रहे थे, और आपने तो वह हमारा डांस वाला वीडियो देखा ही है ना। हत्या की जगह पर मौजूद नहीं होने का मतलब ये नहीं होता है कि जुर्म में तुम्हारा कोई हाथ ना हो। हो सकता है किसी और से हत्या करवाई हो तुमने। सही करो, यहाँ पर आज के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन रोज थाने में आकर हाजिरी देना, समझी? जी साहब। सर हम लोग ने जितने भी सस्पेक्ट के उंगलियों के निशान लिए थे उन सभी के निशान त्रिशूल पे मिले, मगर जिसका निशान मिलना चाहिए था उसका निशान नहीं मिला। किसका? गौरी का। एक काम करो, सबको थाने बुलाओ। जी सर। साहब अब मंदिर का त्रिशूल तो था नहीं, हमारी नौटंकी का त्रिशूल था, तो जिसका मर्जी वो हाथ लगा लिया करता था। अब क्या घर आती और क्या बाराती। साहब नाच में प्रॉपर्टी की तरह यूज होता था त्रिशूल, और बैक स्टेज का काम हम ही देखते थे, तो हाथ तो लगेगा ही ना साहब। जितना छुपाने की कोशिश करोगे चीजें उतने ही सामने आएंगी। नौटंकी के त्रिशूल में तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे हैं छेदीलाल? साहब हम और द्वारका लगभग 6:30 बजे नौटंकी देखने पहुंचे थे, नौटंकी शुरू नहीं हुआ था तो चंपा को देखने के चक्कर में इधर उधर घूम रहे थे। अरे चंपा इधर का रहती है? हो ना इधर हो। आज मिलते हैं मुझसे, रुको। अरे अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चले चले नाच उदा शुरू होने वाला है। चले चले। छोटा है बड़बड़ाता बहुत है। अरे बाप त्रिशूल, आज भोले बाबा का पाठ होगा क्या दरका? दिखाइए। अरे ये प्रॉपर्टी कहाँ हाथ लगा रहे हैं आप लोग? बस कुछ छोड़िए, इधर रखिए, दीजिए इधर। क्या कर रहे हैं आप लोग? नाटक का सामान है ना ये। कितने का टिकट लिया आप? 50 रुपए का भैया। तो जाइए ना कुर्सी पर बैठिए, थोड़ी देर में नाटक शुरू होगा। और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते साहब,
कसम से साहब, हमको कुछ नहीं पता साहब। हम छेदीलाल के साथ उसी समय केवल त्रिशूल को छुए थे। मुन्ना, क्या सचमुच त्रिशूल गायब हुआ था? हाँ साहब, त्रिशूल गायब होने के बाद भौजी ने बहुत झाड़ा था टुनटुनावा को साहब। देव बाबा की हत्या भी प्रकृति के तिलस्म की तरह आंख में चोली खेल रही थी। त्रिशूल पर जिन लोगों के हाथों के निशान थे वो इस अपराध से इनकार कर रहे थे, और जो लोग अपने मुंह से इस अपराध को स्वीकार कर रहे थे उनके हाथों के निशान त्रिशूल से नदारद थे। बहुत सी विसंगतियां, बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन थे इस केस में। गौरी को देवी आती थी लेकिन वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थी, पर एक गौरी थी जो नाच गाने में मौजूद नहीं थी। लेकिन बाबा की लाश को अकेले पेड़ पर लटकाना उसके बूते के बाहर था। आखिर क्या था इस वारदात का सच? हाँ डॉक्टर, गौरी की रिपोर्ट्स आ गई। सर, ये रिपोर्ट्स। वो नौटंकी का वीडियो लेकर आओ फिर सर। यस सर। चलो रुको, पीछे हो, चलो। इस वीडियो में शुरू का गाना तो ठीक है लेकिन उसके बाद के कई सारे गाने कट कट के, मतलब रिकॉर्डिंग लगातार नहीं की गई थी, कैमरा बीच बीच में बंद किया गया था। और हो सकता है उस समय छेदीलाल और उसके साथियों को समय मिल गया हो कि जाकर बाबा की हत्या करें और वापस नौटंकी में शामिल हो जाए। पर सर, छेदीलाल बाबा की हत्या क्यों करेगा? और अगर उसने किया भी हो तो हम ये साबित कैसे करेंगे कि वो डांस वाली जगह पे मौजूद नहीं था? अब इन सब सवालों के जवाब तो वही देगी जो कह रही है कि उसी ने बाबा को मारा है, गाँव देवी। अब जब तक तुम्हारी देवी आकर फिर से गवाही नहीं देती तब तक तुम्हारे ये पति परमेश्वर उठक बैठक लगाते रहे। लेकिन साहब, हम लोग बेकसूर हैं साहब, आपसे कितना बार बोले हम लोग बेकसूर हैं, हम लोग कुछ नहीं किए साहब, हम लोग कुछ नहीं। तुम्हारी देवी माई तुम्हें बचा सकती है, बुलाओ उन्हें, बुलाओ। देवी माई की जय हो, देवी माई की जय हो, देवी माई की जय हो। आ जाइए देवी माई। बोल, क्या जानना चाहता है तू? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने देव बाबा को कैसे मारा? पाखंडी था वो, भागना चाहता था। मैंने उसे दौड़ाया और फिर उसको बंद करके उसे पेड़ पे लटका दिया। और बोल, क्या जानना चाहता है तू हमसे? बोल। कुछ नहीं, बस अपनी ये रस्सियां छुड़ा लो तो मैं मान लूंगा कि तुम असली देवी माँ हो, वरना ये तुम्हारे छेदीलाल जी उठक बैठक करते करते देवलोक पहुंच जाएंगे। देवी माँ की जय हो। रस्सी कम करो, एक चालू रखो। रस्सियां खोलो। पानी रो। गौरी, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं है। और अब यह भी साबित हो गया है कि ये देवी माँ वाली बात भी झूठ थी। तो अब सच सच बता दो कि तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो, वरना ये सब लोग तो बच जाएंगे
लेकिन तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा होगा। गौरी तो साधारण सी रस्सी नहीं खोल पाती, पर तू कहता ताले से अपने आप बाहर आ जाती है। गौरी ने सब कुछ कबूल कर लिया है, अब तू भी बोल दे। साहब, पापा पर हमने बहुत विश्वास किया था, लेकिन पापा एक नंबर का धोखेबाज निकला। ओ बाबा ने हमको बहुत मजबूर किया था साहब। बहुत तगड़ा टोटका हुआ है तेरी पत्नी के पेट में, उसे खोलने के लिए इसे हमारे साथ अकेले में कुंडला पाठ करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ना आसपास कोई हो और ना गौरी विरोध करे ना शंका, अन्यथा अनिष्ट होगा। और यदि अनिष्ट हुआ। नहीं बाबा, नहीं, बाहर से घर के पास कोई नहीं आएगा। सुन लिया ना, ना कोई विरोध ना शंका बाबा। अब तुम अपना नाड़ा खोल दो ताकि हम तुम पे लगा बांझ का कनक मिटा सके, अन्यथा अनर्थ होगा, बहुत अनिष्ट। एक महीने बाद हमको पता चला कि हम मां बनने वाले हैं। तब हमको एहसास हुआ कि बचपन से तो हमारा छुटकारा हो गया, मगर साहब वो बाबा से छुटकारा मिलने का कोई आसरा नहीं दिखाई दे रहा था हमको। और तब जाकर हम उनसे बात किए। सुनिए ना, बाबा के आश्रम चलना जरूरी है का? अरे पगड़ी, बाबा के आशीर्वाद से ही तो बच्चा होने वाला है, चलो चलो। वही तो हम कह रहे थे आपसे कि अब तो हमारा कोप भी भर गया है, तो बाबा के आश्रम जाना जरूरी तो नहीं, और वैसे भी बाबा हमको। ए, का बोल रही है तुम? बाबा के बारे में अनाप शनाप बोल रही, और हमारे बच्चा को कुछ हो गया तो? हमको बच्चा चाहिए, चलो चलो। हमारे पति को बाबा पर अंधविश्वास हो गया था, उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहते थे, और जब उस दिन वो हमको बाबा के आश्रम लेकर गए तो बाबा इलाज के बहाने हमको अपने कुटिया में ले गए। और तुम पे दिल आ गया है हमारा, इसलिए हमसे मिलते रहने के लिए तुम्हें एक नाटक करना होगा कि तुम पर देवी आती है। हम इलाज के बहाने आते जाते रहेंगे, और यदि तुम ये बात नहीं मानोगी तो फिर हम सब सत्य कह देंगे, उसके बाद न तुम्हारी इज्जत रहेगी और न बच्चे का ठिकाना। तुझे कैसे पता चला कि वो बाबा धोखेबाज था? साहब, चंपा का नौटंकी रोज देखते देखते टुंटू से दोस्ती हो गई थी, और एक दिन। सुनते हैं तुम बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हो। नहीं, वो तो है भाई, बहुत आस्था है, विश्वास है, पर वो तो साला एक नंबर का चोर है, छलिया है, धोखेबाज है। मुंह तोड़ देंगे आपका, बाबा के बारे में कुछ बोले तो। हाथ में दारू है, सामने आँच है, आपके गाँव में है, अगर कुछ ऐसा बोले तो मुँह कह तोड़े, मुआ दीजिए। देखिए, कुआं से भी आंख मूंद के पानी नहीं भरा जाता, तो बाबा लोग, अरे कभी जब घर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कभी घर में झांक के देख लीजिए। बहुत बकवास कर लिए, सुनना नहीं हमको, अन्ना आपका प्रोग्राम उराम देखना है। अरे सुनिए ना, आ रहे हैं आप? अरे छेदी काहे काहे, अरे बात सुनिए, आपकी भलाई के लिए कर रहे हमको। अरे देख तो लीजिए, हमको विश्वास नहीं हुआ तो हम खुद जांच किए। मान लिया कि तुम देव बाबा के कहने पर नाटक कर रही थी,
मगर बाद में ये क्यों कहने लगी कि तुम देव बाबा की हत्या करने वाली हो, और हत्या के बाद तुम खुद गुनाह क्यों कबूल कर रही थी? साबू, तो हम क्या करते? आपको समझाने का कितना बार कोशिश की, मगर आपको आपको तो खाली बच्चा चाहिए था। हमारा इज्जत तो जा ही चुका था। अगर सबको सच बता देते तो आपका भी इज्जत चला जाता, इसलिए हम किसी से कुछ नहीं बोले, हम चुप रह गए। अब एक ही रास्ता है। अब तक तू बाबा के कहने पर नाटक कर रही थी ना, अब हमारा कहने पर कर। पापी, बंद कर अपना ये ढोंग, हमने तुम्हें पहचान लिया है। फिर बाद में टुनटुन और द्वारका भी हमसे मिल गए, क्योंकि बाबा ने उन दोनों की पत्नी के साथ भी वही किया था साहब। सच सच बता, ये सब तूने अपनी मर्जी से किया या फिर चंपा ने तुझसे करवाया? और एक बात याद रखना, अगर झूठ बोला ना, डंडा भिगा भिगा के मारूंगा। बोल साहब, हम एक नंबर का गधा आदमी थे साहब। हम चंपा का हर बात मानते थे, काहे कि उसको बहुत प्यार करते थे हम साहब। हमको लगता तो हमसे प्यार करती है, अपना पति मानती है साहब। एक दिन हम चंपा का पीछा करते करते देव बाबा का आश्रम पहुंचे। हम चंपा को देखे, देव बाबा के साथ नाच रही है। हमको साहब कुछ गड़बड़ लगा। हम साहब अगले दिन भी उसका पीछा किया, और जो हम खिड़की से देखे ना साहब, सारा भरम टूट गया। उस दिन से हमको देव बाबा से नफरत सा हो गया था साहब। कहानी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हम उसका जासूसी किए। हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, छेदीलाल उनका बहुत बड़ा भक्त था साहब। कहें कि उनका आशीर्वाद से इनको बच्चा होने वाला था साहब। जब से छेदी को बच्चा होने वाला था, तभी से उनका भैरारू का ऊपर देवी माँ आती थी। हमको सब समझ में आ गया साहब, इसलिए हम छेदी को अपना प्लान में शामिल किए, ताकि हम उस बाबा को ना सबक सिखा सके। इसीलिए छेदी के सामने हमने देव बाबा का सारा भंडा फोड़ दिया। सब टुलटुलमा का प्लान था। चार ठो जासूसी किताब पढ़ के बोला कि एकदम बढ़िया प्लान बनाया है। और फिर टुनटुन के प्लान के हिसाब से तुमने और द्वारका ने बाबा को मार दिया। सर, हम और द्वारका मारने गए थे, लेकिन वो हमारे हाथों से नहीं मरा। रुक! इसको मार तो दिए, लेकिन अब होगा क्या? हमने कहा मारा है? इसको तो देवी ने मारा है ना? अब सुनो, सबसे पहले रस्सा लेके इसको ऊपर लटकाते हैं, उसके बाद छेदी तुम जाओगे गांव देवी को तैयार करने। हम और द्वारका जाएंगे नौटंकी, और तुम वहां से सीधे गांव से नौटंकी में आओगे। सुबह तक नौटंकी में बने रहोगे, और जब गांव के लिए वापस जाओगे ना, तो साथ में एक दो आदमी होना चाहिए जो गवाही दे सके कि तुम सुबह तक नौटंकी में थे। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले रस्सा से टांगते इसको। कितना भी जासूसी उपन्यास पढ़ लो, पुलिस चार हाथ आगे ही रहेगी। अब 20 साल जेल में बैठकर यही सबक दोहराते रहना कि अपराधी कितना भी चाल चल ले, आखिरी चाल पुलिस ही चलती है। गांव शिवना, जिला सरन, बिहार के इस वाकये में अंधविश्वास का भी एक बड़ा भयानक पहलू था।
अपने जीवन की बागडोर को ढोंगी बाबाओं और तांत्रिकों को सौंपना मूर्खता ही नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति निर्ममता भी है, जैसा कि छेदीलाल ने अपनी पत्नी के प्रति किया। इसके परिणाम कितने भयानक निकले ये सभी ने देखा। छेदीलाल और उसके दोस्तों को पुलिस को गुमराह करने के आरोप में आईपीसी की धारा 203 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। टुनटुन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गौरी पर लगा कोई भी आरोप साबित नहीं हो सका। क्राइम पेट्रोल एक बार फिर आपसे यही विनती करेगा कि अपने जीवन को ज्ञान, विवेक, कर्म और तर्क के आधार पर चलाएं, नैतिकता और न्याय का दामन थामें, सतर्क रहें और किसी को, आपको या आपके अपनों को बहकाने ना दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।